सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अमर यादव एकेडमी। मेरा नाम अमर यादव है, मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होके 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है एज ए फिजिक्स फैकल्टी। तो ऑलरेडी हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, ओके। तो फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर ऑलरेडी हमने कंप्लीट किए हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड पार्ट, ओके, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए, आपके जेई मेंस के लिए, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए और महाराष्ट्र सीईटी के लिए, सभी के लिए ये 2 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम इन दोनों को पहले हम कंप्लीट करेंगे, बाद में रिमेनिंग चैप्टर्स को हम जाएंगे, ओके। तो ये सेकेंड पार्ट है, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, कमेंट्स करना है, ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक करके, ओके। तो ये 8th चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करके, ओके। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अंडरस्टैंड करके पढ़ना है। थोड़ा हम बेसिक पहले अंडरस्टैंड करेंगे, उसमें हम 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किए थे, दैट इज द गॉस लॉ के बारे में, देन कूलम्स लॉ के बारे में, देन इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या होता है, इसके बारे में छोटा छोटा पॉइंट्स है। वो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए, ताकि आपको इसके एप्लीकेशंस, जो डेरिवेशन है, वो आपको मालूम हो सके। तो 11th स्टैंडर्ड का थोड़ा 10 to 15 मिनट्स हम स्टडी करेंगे, बाद में हम 12th के कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे, ओके। तो लेट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ओके। ये कूलम्स लॉ क्या होता है, अगर 2 चार्जेस है, समझो इसका चार्ज Q1 है, इसके चार्ज Q2 है, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिंग फोर्स वरना रिपल्सिव फोर्स रहता है। अगर ये दोनों पॉजिटिव हो गए तो ये क्या हो जाएंगे, रिपल्सिव हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। अगर समझो ये Q1 चार्ज है, ये माइनस है, और ये Q2 चार्ज ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा। तो लेकिन ये अट्रैक्टिंग फोर्स कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो कहता है कूलम्स लॉ, ओके। तो वो क्या कहता है देखेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, दोनों भी कौन सा तो एक हो सकता है, अट्रैक्शन तो हो सकता है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा। बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में एक अट्रैक्टिव वरना रिपल्सिव फोर्स रहता है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये फोर्स जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 रहता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है, तो इन दोनों के ये क्या रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² रहता है। इसका मीनिंग क्या है, अगर डिस्टेंस ज्यादा करते जाओ तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि फोर्स और रेडियस मतलब डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, वो क्या रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। लेकिन Q1 Q2 अगर ज्यादा करते जाए, Q1 और Q2 अगर ज्यादा वैल्यू ज्यादा बढ़ाते जाए, तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, ओके। तो ये था कूलम्स लॉ का कॉन्सेप्ट। आई होप यू अंडरस्टूड कूलम्स लॉ मतलब, ओके। तो इधर हमने डिस्कस किया है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² करके। अगर इन दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा दिया, इक्वल लेके आए, तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0, एक कांस्टेंट आएगा इधर, 1/4πε0 एक कांस्टेंट आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फोर्स का, फॉर्मूला सभी ओर इलेक्ट्रोस्टैटिक में सभी ओर इसका कॉन्सेप्ट आपको आएगा, ओके। तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, F Q1 Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², ओके। और ये कॉन्सेप्ट होता है 1/4πε0, इसका वैल्यू कितना रहता है, हम कंसिडर करते हैं एज द K करके, ओके। के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, बिकॉज ये प्रोपोर्शनल साइन अगर हटा दिया तो एक कांस्टेंट आता है, उसको ही हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, उसको नाम देते हैं हम के करके। और उसका वैल्यू होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू आपको रिमेंबर करना है, दैट इज 9 × 10⁻⁹। ये वैल्यू कैसे आ गई, ये यूनिट कैसे आ गया, देखो
अगर ये के समझते हो आप या फिज इक्वल टू इधर लिखते हो के, ये टोटल क्या के समझते हो, Q1 Q2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एफ इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये Q1 Q2 क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगी Q1 Q2। तो एफ क्या है, न्यूटन में है, आर क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं हम, मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, और ये Q1 Q2 दैट इज द Q1 चार्ज, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम है, और ये भी कूलम है तो कूलम का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर करके, तो इसका भी आपको ऐसा यूनिट मालूम होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टूड, ये था इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज द कूलम्स लॉ, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले वो है, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब समझो एक चार्ज है, इधर चार्ज है, इसका एक पर्टिकुलर रीजन रहता है, इसके इसका एक पर्टिकुलर रीजन रहता है, इसके अंदर कौन सा तो चार्ज आ गया, इसके अंदर कौन सा तो चार्ज आ गया, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, वरना रिपेल करेगा, वरना रिपेल करेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो सभी का एक रीजन रहता है, समझो इधर इधर एक चार्ज है, समझो ये Q1 चार्ज है, ये पॉजिटिव है, समझो इसका एक रीजन है, इसका रीजन इतना है, समझो इसके अंदर अगर एक चार्ज आ गया, समझो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, Q2 सेकेंड चार्ज आ गया, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों चार्जेस सेम चार्जेस है तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर और एक चार्ज आ गया समझो Q3, वो नेगेटिव है, तो इसको ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, लेकिन Q3 इधर है, समझो इधर है Q3, तो ये इसको इसके ऊपर कुछ इन्फ्लुएंस नहीं होगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि इस Q1 का रीजन किधर तक है, इधर तक उतना ही है, इधर तक उतना ही है, तो इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। फील्ड मतलब इसका पर्टिकुलर रीजन, इसका पर्टिकुलर चार्ज का पर्टिकुलर रीजन, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ओके, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब द रीजन अराउंड ए चार्ज ऑब्जेक्ट, ये चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसका एक रीजन रहता है, इसका एक रीजन रहता है, इन विच कूलम फोर्स इज एक्सपीरियंस, कूलम फोर्स इज एक्सपीरियंस मतलब एक दूसरा चार्ज इसके पास आ गया, दूसरा चार्ज इसके पास आ गया, तो वो क्या करेगा, उसका कूलम फोर्स, ये कूलम फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स तो रहेगा, वरना रिपल्सिव फोर्स तो एक्सपीरियंस करता है, तो उसी रीजन को, उसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। देखो द रीजन अराउंड ए चार्ज ऑब्जेक्ट इन विच कूलम फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज, अनदर चार्ज, दूसरा चार्ज आने के बाद वो दूसरा चार्ज क्या करता है, ये दूसरा चार्ज कर चार्ज क्या करता है, इसका कूलम फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, तो उसी को हम, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। देखो इधर एक समझो चार्ज है Q0 करके, इसको हम बोलते हैं यूनिट चार्ज बोलते हैं, यूनिट चार्ज बोलते हैं। ओके, यूनिट चार्ज, ये नाम यूनिट चार्ज क्यों कहते हैं, यूनिट चार्ज यूज करते हैं हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कितना है वो मेजर करने के लिए हम एक यूनिट चार्ज यूज करते हैं। यूनिट चार्ज का कॉन्सेप्ट अगर किधर भी आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, यूनिट चार्ज करके आता है, तो इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करना है आपको, इसका मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 रहता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम रहता है, 1 कूलम, चार्ज कितना रहता है, 1 कूलम रहता है, ये आपको रिमेंबर करना है। और इसका इफेक्ट, इसका इस चार्ज का इफेक्ट इस चार्ज के ऊपर कुछ भी नहीं गिरता, ये आपको रिमेंबर करना है, दो पॉइंट्स रिमेंबर करना है, इसका चार्ज कितना रहता है, 1 कूलम रहता है, और इसका इफेक्ट इस चार्ज के ऊपर कुछ भी नहीं गिरता, क्यों, क्योंकि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है, समझो ये चार्ज प्लस क्यू है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट चार्ज लेके आएंगे, समझो ये यूनिट चार्ज इधर लेके आए, ओके, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखेंगे। देखो मैथमेटिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज कितना है, Q0 है, ओके, पर यूनिट चार्ज करके। देखो फोर्स एक्सपीरियंस क्या रहता है, फोर्स एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स कितना एक्सपीरियंस करता है। देखो इधर एक चार्ज लेके आया हमने, तो ये चार्ज क्या करेगा, इसके वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये रिपेल करेगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा। ओके, किसके वजह से, उस फोर्स के वजह से। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो वो फोर्स
पर यूनिट चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कूलम्स लॉ में, 1/4πε0 Q1 Q2। इधर Q1 मतलब क्या है, कैपिटल Q है, Q2 मतलब कितना है, चार्ज दो चार्ज के बीच में, तो Q2 कितना है, Q0 है। पर यूनिट चार्ज क्या है, Q0 है, ये Q0 डिवाइडेड बाय R2 भी था, ये देखो ये फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2 करके, और पर यूनिट चार्ज है तो पर यूनिट चार्ज आ जाएगा, तो ये Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा Q/4πε0 × R², दैट इज न्यूटन पर कुलम। ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, Q/4πε0 × R², R² क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अगर ये चार्ज चेंज होता है, समझो ये प्लस Q है, ये प्लस Q1 होता है समझो, तो इधर प्लस Q1 आ जाए। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। और इसका SI यूनिट क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट रहता है न्यूटन पर कूलम करके, न्यूटन पर कूलम क्यों, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स का SI यूनिट न्यूटन है और चार्ज का SI यूनिट कूलम है, ओके, तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दैट इज द कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको मालूम हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स करके। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है देखेंगे, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासेस फ्रॉम ए गिवन एरिया इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। प्लीज अंडरस्टैंड करो, इधर एक चार्ज है समझो, ये Q1 चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे प्रोड्यूस होंगे, ओके, ऐसे प्रोड्यूस होंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अगर ये Q2 चार्ज समझो ये नेगेटिव है तो इसके पास आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या आते हैं, पास आते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव को जाते हैं। ये आपको रिमेंबर करना है, पॉजिटिव से निकलते हैं और वो नेगेटिव को जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दैट इज नथिंग बट ई फील्ड, ई वेक्टर करके, वरना ई करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंसीडर करो, वरना इलेक्ट्रिक फील्ड करो, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं हम, ओके, समझो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो ये इंडिकेट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करके, ओके, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलते हैं और नेगेटिव को जाते हैं, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन रहता है पॉजिटिव से नेगेटिव, ये हम डेरिवेशन करते वक्त यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे। समझो इधर एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज करके, तो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो इधर आपने एक सरफेस रखा, तो इस सरफेस के थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। समझो इधर एक सरफेस है, ये ऐसे सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, तो इस सरफेस के थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा जा रही है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। अगर समझो यही एरिया है लेकिन इसमें दो ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहे हैं, तो इधर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको हम डिनोट करते हैं फाई से, तो इधर फाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन इधर क्या हो जाएगा, फाई क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, और उसका सिंबल क्या रहता है, फाई से हम डिनोट करते हैं, ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं। तो इधर हमने डायग्राम निकाला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस साइड पॉजिटिव है समझो, इस साइड नेगेटिव है समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी जा रही है, ओके, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ओके, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ओके, तो इसका एरिया हमने कंसीडर किया है ds करके, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, ई करके, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई है, ओके, तो ई इंटू ds, ई डॉट ds, ये फाइ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर करके, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको रिमेंबर करना है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ओके, स्केलर क्वांटिटी, सो इट इज अ क्या, डॉट प्रोडक्ट है, दैट इज नथिंग बट स्केलर क्वांटिटी, ओके, तो डॉट प्रोडक्ट हमने डिस्कस किया था स्केलर्स और वेक्टर्स में, अगर दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई करने के बाद
दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई करने के बाद एक स्केलर क्वांटिटी आती है, तो हम क्या यूज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। ओके तो ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। तो ई वेक्टर दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एरिया इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है, और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहता है, स्केलर क्वांटिटी रहता है, और इसको हम डिनोट करते हैं फाई से। ओके अगर ये डॉट हटाते हो तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। थीटा मतलब क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल, दैट इज द एरिया, समझो ये एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, इन दोनों के बीच के एंगल को ये हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स करके। तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है गॉस लॉ करके। ये गॉस लॉ क्या होता है, ओके ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमने डिस्कस किया कूलम्स लॉ, देन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब हम डिस्कस करेंगे गॉस लॉ करके। ओके वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि आपको 12th स्टैंडर्ड सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगर आपको ये लॉज मालूम नहीं है तो 12th स्टैंडर्ड के जो डेरिवेशन है वो आपको मालूम नहीं होंगे, इसीलिए मैं ओनली 15 टू 20 मिनट्स इसको लूंगा। तो गॉस लॉ क्या कहता है, देखो द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इक्वल्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट करके। प्लीज अंडरस्टैंड करो, अगर एक क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस मतलब एक स्पीयर है समझो, हॉलो स्पीयर है समझो, ऐसे हॉलो स्पीयर, इसके अंदर आपने चार्ज रखा है, उस स्पीयर के अंदर आपने क्या रखा है, चार्ज रखा है, समझो इधर चार्ज रखा है, दैट इज द Q1 करके। ओके Q1 करके एक चार्ज है, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है वो इक्वल रहता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू कितना है, इसके अंदर चार्ज कितने हैं, समझो ये Q2 चार्ज, ये Q3 चार्ज और इधर Q4 चार्ज है, तो ये इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, दैट इज द क्यू एनक्लोज्ड बोलते हैं इसको, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट रहता है। मतलब इस चार्ज के वजह से, इन तीनों चार्ज के वजह से जो फ्लक्स निकलता है, फ्लक्स मतलब फाई नेट करके फ्लक्स निकलता है वो इक्वल कितना रहता है, क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट रहता है। देखो द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस, थ्रू ए क्लोज सरफेस के इक्वल्स द नेट चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस, नेट चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस मतलब इसके अंदर, उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज रहता है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट जैसा रहता है। ओके तो यही है गॉस लॉ, आपको रिमेंबर करना है, फाई नेट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, वरना क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट भी आप लिख सकते हो। ओके तो ये पॉइंट था, यही मैंने इधर डिस्कस किया, देखेंगे देखो मैं इधर लेता हूं उसको। ओके तो देखेंगे देखो, ये है फाइनेट मतलब क्या है, फ्लक्स है, तो फ्लक्स इज क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन क्यों लेते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रेशन इंडिकेट करता है इसके अंदर, इस सरफेस के अंदर, देखो हमने इधर सरफेस लिया है, ओके इधर स्पीयर लिया है, ऐसे क्लोज्ड स्पीयर लिया है, उसके अंदर क्या है, चार्जेस है, समझो हमने चार्जेस, डिफरेंट चार्जेस लिए, ये Q1 Q2 Q3 अलग अलग चार्जेस लिए, तो इस पॉइंट के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर फ्लक्स कितना होगा, ये फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये क्लोज इंटीग्रेशन क्यों कंसीडर किए, क्योंकि इसका क्लोज आपको फाइंड आउट करना है, इसके टोटल फ्लक्स आपको फाइंड आउट करना है उस स्पीयर के ऊपर। ओके सो इसीलिए हमने क्लोज इंटीग्रेशन लिया है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, तो दैट इज इक्वल टू क्या रहता है, क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट रहता है। क्यू एनक्लोज मतलब ये कितना चार्ज इसके अंदर है, दैट इज द क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। ओके तो क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लिख सकते हैं क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके एंड दैट इज इक्वल टू फाई नेट रहता है, फाई नेट मतलब क्या है, ये That is nothing but closed integration of E vector dot ds vector करके। I hope you understood the concept। ये था Gauss law। Then electric flux के बारे में हमने discuss किए। Okay? तो next concept हम discuss करेंगे। तो next concept हम discuss करने वाले हैं वो है Gaussian surfaces करके। ये Gaussian surfaces क्या होता है? Please understand करो, ये Gaussian surfaces हम use करते हैं to derivation के लिए। ओके डेरिवेशन के लिए ये गॉसियन सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 11th स्टैंडर्ड में इसके बारे में स्टडी किया है, लेकिन थोड़ा सा मैं उसके बारे में कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, दैट इज द गॉसियन सरफेसेस होते क्या।
अगर आपने इसके बारे में नहीं देखा है ओके तो 11 स्टैंडर्ड के वीडियोस आपको देखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने स्टार्ट किया था लेकिन सभी पार्ट्स मैंने कवर नहीं किया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट 12 स्टैंडर्ड के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सभी कॉन्सेप्ट मैंने 11 स्टैंडर्ड में डिस्कशन किया है ओके। अगर आपने नहीं देखा है तो 11 स्टैंडर्ड के वीडियोस आपको देखना है, 11 स्टैंडर्ड करके डालो आप, वरना अमर यादव एकेडमी करके डालो, उसमें प्लेलिस्ट में आपको 11 स्टैंडर्ड की वीडियोस मिलेंगे ओके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो तब उसमें सभी मैंने डिस्कस किया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस किया है, गॉस लॉ डिस्कस किया है, कूलम्स लॉ डिस्कस किया है, देन गॉसियन सरफेसेस डिस्कस किया है। तो सभी कॉन्सेप्ट एक ही इसमें आपको मिल जाएगा, लेकिन वो थोड़ा लेंदी मैंने एक्सप्लेन किया है ओके। तो आपको इधर अगर अंडरस्टैंड नहीं होता है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो ओके। तो गॉसियन सरफेसेस, सो ये गॉसियन सरफेसेस क्या होते हैं, गॉसियन सरफेसेस मतलब हमने डेरिवेशन के लिए इसको यूज करते गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस इमेजिनरी सरफेस रहता है, एक इमेजिनरी सरफेस रहता है। समझो ये स्पीयर है, इसके अंदर चार्जेस है Q1, Q2, Q3। तो आपको इसको गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हम एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, इसके अराउंड गॉसियन सरफेस बनाते हैं। ये गॉस लॉ अंडरस्टैंड करने के लिए, गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हम ये गॉसियन सरफेस बनाते हैं ओके। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेसेस बोलते हैं। गॉसियन सरफेसेस ये इमेजिनरी सरफेसेस हैं, समझो ये स्पीयर है, इसके अराउंड क्या बनेंगे हम इमेजिनरी सरफेस बनाएंगे, ऐसे ऐसे राउंड इमेजिनरी सरफेस बनाएंगे ओके। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेसेस बोलते हैं ओके। तो ये डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए इतना ही यूज होता है, लेकिन ये इमेजिनरी सरफेस रहता है, इमेजिनरी सरफेस रहता है। इसको मैं इरेज करता हूं। तो ये गॉसियन सरफेस बनाने के लिए सम कंडीशंस रहते हैं, वो कंडीशंस भी हम अप्लाई करेंगे, कंडीशंस फॉर गॉसियन सरफेस। हम कैसे भी नहीं बना सकते, समझो ये स्पीयर है, हम ऐसे नहीं बना सकते, वरना ऐसे नहीं बना सकते, कैसे भी गॉसियन सरफेस बना नहीं सकते ओके। उसके लिए दो कंडीशंस सेटिस्फाई होना चाहिए तभी वो गॉसियन सरफेस कहलाएगा ओके। तो वो कंडीशंस क्या है देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू द गॉसियन सरफेस। समझो ये चार्ज है, तो ये प्लस क्यू चार्ज है, समझो ये भी प्लस क्यू चार्ज है ओके। प्लस क्यू चार्ज है इसके ऊपर, इस स्पीयर के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट होगी ओके, ऐसे जनरेट होगी। तो उन्होंने बताया फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस को परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। समझो ये गॉसियन सरफेस है इधर, तो ये क्या हो जाएगी, ये फील्ड क्या हो जाएगी, इस गॉसियन सरफेस को परपेंडिकुलर होगी। इधर अगर गॉसियन सरफेस है तो इधर भी परपेंडिकुलर होगी, इधर भी परपेंडिकुलर होगी। तो स्पीयर को, अगर आप स्पीयर को गॉसियन सरफेस बना रहे हो तो वो गॉसियन सरफेस कैसी होगी, वो भी एक स्पीयर ही होगी। मतलब समझो ये ऐसे ये स्पीयर, तो इसके अराउंड गॉसियन सरफेस होगी ओके, अराउंड स्पीयर, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकेंड कंडीशन देखेंगे, इसको मैं इरेज करता हूं। सेकेंड कंडीशन देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी सेम टू ऑल पॉइंट्स ऑन द गॉसियन सरफेस। मतलब ये चार्ज है प्लस Q1 चार्ज है, तो इसको आपने गॉसियन सरफेस बना दिया, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलती है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगी, इधर भी उतनी ही होगी, इधर भी इतनी और इधर भी इतनी। मतलब गॉसियन सरफेस के ऊपर कितने पॉइंट्स आप लेते हो, उतने पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो वो गॉसियन सरफेस कहलाएंगे ओके। तो इसको मैं इरेज करता हूं, देखेंगे वो गॉसियन सरफेस मैं इधर ड्रॉ किया हूं ओके। तो वही ये गॉसियन सरफेस देखो, इधर स्पीयर है, समझो ये स्पीयर है चार्ज क्यू करके, इस स्पीयर के ऊपर चार्ज क्यू है समझो। तो गॉसियन सरफेस कैसे होगा, स्पीयर के लिए, स्पीयर के लिए गॉसियन सरफेस एक स्पीयर ही होगा ओके, एक स्पीयर ही होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये स्पीयर है, इसके ऊपर गॉसियन सरफेस स्पीयर होगा। क्यों, क्योंकि दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा। देखो फर्स्ट कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। सेकेंड कंडीशन, सभी पॉइंट के ऊपर, सभी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सेम होगी। क्यों, क्योंकि इधर से डिस्टेंस कितना है, इधर से डिस्टेंस कितना है, उतना ही इधर से भी डिस्टेंस होगा, इधर से भी डिस्टेंस होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सेम होगी ओके। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। एक रॉड है समझो, एक रॉड है, समझो एक रॉड है ऐसा,
ऐसा एक रॉड है, इसके ऊपर चार्जेस है, इसके ऊपर चार्जेस है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी गॉसियन सरफेस कैसे बनाएगी, एक सिलेंडर बनाएगी, एक ऐसे सिलेंडर बनाएगी। देखो ये रॉड है, ये रॉड है, ये रॉड है, इसके ऊपर हमने चार्ज कंसीडर किया है, प्लस चार्ज कंसीडर किया है, ओके। तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ओके, ऐसे निकलेगी। तो आपको अगर गॉसियन सरफेस बनाए, ये गॉसियन सरफेस है, ये इमेजिनरी सरफेस है, ओके, ये इमेजिनरी सरफेस है। तो इमेजिनरी सरफेस बनाने के लिए भी कंडीशन क्या होना चाहिए, इसको मैं इरेज करता हूं, कंडीशन क्या होना चाहिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी परपेंडिकुलर। ये गॉसियन सरफेस है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है तो इसको परपेंडिकुलर है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। सेकेंड कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी सेम, तो इधर रहने दो, इधर रहने दो, इधर रहने दो, सभी ओर क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो रॉड के लिए गॉसियन सरफेस कैसा रहेगा, एक सिलेंड्रिकल रहेगा, एक सिलेंड्रिकल रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। स्पीयर के लिए, स्पीयर के लिए गॉसियन सरफेस कैसा रहेगा, एक स्पीयर रहेगा। रॉड के लिए गॉसियन सरफेस कैसा रहेगा, एक सिलेंड्रिकल रहेगा। सिलेंडर है, समझो ये एक सिलेंडर है, ये ऐसे सिलेंडर है, इसके ऊपर क्या है, चार्जेस है, सभी ओर क्या है, चार्जेस है। तो उसके लिए गॉसियन सरफेस कैसे रहेगा, देखो इधर भी चार्ज है, इधर भी चार्ज है, ये सिलेंडर है, ओके, सिलेंडर मतलब मालूम है चारों साइड चार्जेस है, इसके चारों साइड क्या है, चार्जेस है। तो आपको गॉसियन सरफेस बनाना है तो वो भी गॉसियन सरफेस कैसे रहेगा, एक एक सिलेंड्रिकल ही गॉसियन सरफेस रहेगा, ये है गॉसियन सरफेस, ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। इसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस, ओके। तो ये गॉसियन सरफेस इधर से चार्ज अगर निकालता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकलता है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। देखो इमेजिनेशन करो, इमेजिनेशन करना है, ये सिलेंडर है, इसका अगर चार्जेस है तो चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, सभी ओर, सभी ओर निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है तो अगर आप सिलेंडर इधर बनाते हो, सिलेंडर मतलब गॉसियन सरफेस बनाते हो, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी उसको, ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। तो स्पीयर के लिए, स्पीयर के लिए एक स्पीयर ही गॉसियन सरफेस रहेगा, एक रॉड के लिए गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल रहेगा, और सिलेंडर के लिए भी एक गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल रहेगा, ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ये कॉन्सेप्ट हमें यूटिलाइज करने वाले हैं, जब हम डेरिवेशन करेंगे उधर हम इसको यूटिलाइज करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। ये था 11th स्टैंडर्ड तक, ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए था, इसीलिए मैंने इसको मैं एक्सप्लेन कर दिया, ओके। सो अब हम डिस्कस करने वाले 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस, ओके, अब हम डिस्कस करेंगे 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस, और वो स्टार्ट होता है अप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से, अप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से, ओके। तो गॉस लॉ के बारे में हमने डिस्कस किया, गॉस लॉ क्या था, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर करके इज इक्वल टू फाइन नेट, इसी को हम बोलते हैं टोटल नेट, ओके, और दैट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट था। ये था गॉस लॉ के बारे में, गॉस लॉ करके, ओके। तो ये गॉस लॉ हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो इसको मैं इरेज करता हूं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, डोंट कंफ्यूज, कंफ्यूज मत करके ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कॉन्सेप्ट सेम ही, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल और होलो स्पीयर, प्लीज अंडरस्टैंड करो, स्पेरिकल शेल भी दे सकते वरना होलो स्पीयर भी दे सकते, दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहती है, सेम रहती है, ओके। तो आपको फाइंड आउट करना है, एक स्पीयर है होलो स्पीयर, प्लीज अंडरस्टैंड करो, होलो स्पीयर मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ओके। तो ये होलो स्पीयर है, तो होलो स्पीयर के वजह से इसके ऊपर हमने चार्ज कंसिडर किया है, इसके ऊपर सभी चार्जेस है, तो इस चार्ज के वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करना है, इस सम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, गॉस लॉ यूज करने वाले, ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। तो इधर हम कंसीडर करेंगे, देखो ये है स्पीयर, ये है स्पीयर, इसके ऊपर हमने कंसीडर किया है चार्जेस, ओके, तो ये है स्पीयर और इसके ऊपर हमने कंसीडर किया है चार्जेस,
पर्टिकुलर चार्जेस कंसीडर किए, ये चार्जेस है ओके okay? तो ये चार्जेस है, ये स्पीयर है समझो, ये स्पीयर, इसके ऊपर इनसाइड कुछ भी नहीं है तो चार्जेस नहीं रहेंगे, इसके अंदर चार्जेस नहीं रहेंगे ओके okay? इसके अंदर चार्जेस नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं है तो चार्जेस नहीं रहेंगे। चार्जेस किधर आएंगे, सभी चार्जेस ऊपर आएंगे, इस सर्फेस के ऊपर आएंगे, ऐसे स्पीयर है तो इसके ऊपर आएंगे ओके okay? तो इस स्पीयर के वजह से, इस चार्जेस के वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, किधर, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। देखो देखो ये स्पीयर है, ये चार्जेस हैं, वो चार्जेस छोड़ के सम डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, समझो एक पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। आई होप यू अंडरस्टूड ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी के ऊपर फाइंड आउट करनी है, तो आपको क्या करना है, समझो ये स्पीयर है और इस पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो आपको क्या करना है, उस पॉइंट से आपको क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस मतलब ये देखो, ये है गॉसियन सरफेस, डॉटेड लाइन हम इंडिकेट करता है, तो उसी को हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। मतलब इस पॉइंट के ऊपर, प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये स्पीयर है, इस स्पीयर के ऊपर चार्जेस हैं, तो इस चार्जेस के वजह से चार्ज कैसे निकलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, ऐसे ऐसे निकलेगी, ऐसे परपेंडिकुलर निकलेगी सभी ओर ओके। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इस पॉइंट के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, एक स्पीयर ही होना चाहिए, एक स्पीयर ही होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग ओके। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, अगर समझो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फाइंड आउट करनी है, तो आप गॉसियन सरफेस किधर बनाओगे, ऐसे बनाओगे। गॉसियन सरफेस कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे ओके okay? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फाइंड आउट करनी है इस पॉइंट के ऊपर, तो गॉसियन सरफेस आप ऐसे बनाओगे ओके okay? तो गॉसियन सर आप किधर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, उस पॉइंट से आपको गॉसियन सरफेस बनाना है ओके okay? तो इधर हमको फाइंड आउट करना है, तो गॉसियन सरफेस हम इधर ऐसे बनाएंगे ओके okay? तो पी पॉइंट के ऊपर गॉसियन सरफेस बनाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। और हमने दिखाया है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर दिखाया है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डायरेक्शन कैसे दिखाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर दिखाए। क्यों बाहर दिखाए, हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉजिटिव से निकलती है, बाहर निकलती है, पॉजिटिव से बाहर निकलती है ओके okay, बाहर निकलती है, मैंने बताया था प्रीवियस इसमें। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी ऐसे। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, इधर नेगेटिव चार्ज होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आती थी, ऐसे अंदर आती थी ओके okay? तो सभी डेरिवेशन हम करने वाले वो पॉजिटिव चार्ज लेके ही करेंगे, ताकि सभी कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड हो सके। तो पॉइंट देखेंगे, इसके क्या क्या पॉइंट्स है देखो। तो फर्स्ट पॉइंट, कंसीडर ए स्पीयर ऑफ रेडियस आर। तो ये स्पीयर है, इसका रेडियस कितना हमने कंसीडर किया है, कैपिटल आर कंसीडर किया, विथ इट सेंटर एट ओ, सेंटर कितना है, ओ है, ये सेंटर ओ है। चार्ज्ड टू ए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया ओके okay? तो ये स्पीयर है, समझो ये स्पीयर है, तो इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर चार्ज कितना है ओके okay? एक मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर चार्ज कितना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, दैट इज द सिग्मा करके, सिग्मा इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट एरिया करके, ये कितना चार्ज है पर यूनिट एरिया। समझो आपने एक एरिया कंसिडर किया, ये स्पीयर है ओके okay, इसके ऊपर आपने एक स्मॉल एरिया कंसीडर किया ओके okay, तो उस स्मॉल एरिया के ऊपर कितना चार्ज है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, दैट इज सिग्मा बोलते हैं, दैट इज कूलम, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज मतलब कूलम और एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तो चार्ज कूलम पर मीटर स्क्वायर करके। आई होप यू अंडरस्टूड, सिग्मा मतलब चार्ज कितना है पर यूनिट एरिया पे। सेकेंड कॉन्सेप्ट देखो, इमेजिन ए कॉन्सेंट्रिक गॉसियन स्पीयर, गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है, वरना गॉसियन स्पीयर भी बोल सकते हो, ऑफ रेडियस आर, इसका रेडियस कितना है, आर है, तो इसका रेडियस हमने कंसीडर किया है, देखो इधर आर करके, इधर से इधर तक ओके आर करके, पासिंग थ्रू पी, तो पी पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। लेट डीएस बी ए स्मॉल एरिया अराउंड द पॉइंट पी, तो इधर हमने स्मॉल एरिया कंसिडर किया है, कितना, पॉइंट पी का। देखो ये स्पीयर है ओके, इसके ऊपर भी गॉसियन सरफेस भी कैसा रहेगा, एक स्पीयर रहेगा, एक स्पीयर रहेगा। अगर ये स्पीयर है, गॉसियन सरफेस है, तो इसके ऊपर हमने स्मॉल एरिया कंसीडर किया है, दैट इज द डीएस करके। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ओके, पॉइंट पी ऑन द गॉसियन सरफेस करके ओके। नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, देखो
थर्ड वन, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस हैज द सेम मैग्नीट्यूड ई करके, तो इधर ले लो गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर ले लो इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इधर सभी ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि गॉसियन सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, सेम रहती है। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने का कंडीशन सेकेंड, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती थी, सेम रहती थी। डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड मतलब ये अब ऐसे रहेगी और ये परपेंडिकुलर रहेगा, ऑलवेज क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर रहती है और आउटवर्ड आएगी, क्यों, क्योंकि इधर प्लस चार्ज है, इसके वजह से वो आउटवर्ड आएगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वो है बाय गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम अप्लाई करने के बाद मैंने डिस्कस कर रहे हैं हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ये गॉस लॉ अप्लाई करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहती है, ओके। तो हम गॉस लॉ इधर अप्लाई करेंगे, तो गॉस थ्योरम द नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, आपको मालूम है इस क्लोज सरफेस से इस चार्ज के वजह से कितना नेट फ्लक्स निकलता है, ये आपको मालूम है, ओके। तो वो हम देखेंगे, तो देखेंगे हम, इधर मैंने लिखा हूं नेट फ्लक्स। गॉस थ्योरम बताता था नेट फ्लक्स दैट इज टोटल नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट करके, ओके। तो इधर आपको सरफेस कौन सा लेना है, ये गॉसियन सरफेस लेना है, इसके अंदर कितना चार्ज है पर यूनिट एप्सिलॉन नॉट करके, ओके। तो ये फाई नेट क्या बोलता था, नेट फ्लक्स फाई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, ये थ्योरम था, कौन सा, गॉस थ्योरम, ओके। समझो एक सरफेस है, इसके अंदर चार्ज क्यू है, तो इस सरफेस के ऊपर नेट फ्लक्स कितना होता था, इसके अंदर चार्ज कितना होता था, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये हमने 11th स्टैंडर्ड में डिस्कस किया है। एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस करके, ओके। तो फाई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ये परमिशन, मतलब इसके अंदर जो एयर रहता है, एयर रहता है वो इसके, देखो ये चार्ज है क्यू करके, ओके, ये किसके अंदर है, इस सरफेस के अंदर है, तो इधर क्या रहेगा, एयर रहेगा। तो एयर कितना परमिशन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड को जाने के लिए, परमिशन तो चाहिए, तो वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एयर इलेक्ट्रिक फील्ड को जाने के लिए परमिशन देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, ओके। एप्सिलॉन नॉट उसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है, वो वैल्यू हमने 11th स्टैंडर्ड में डिस्कस किया था, 12th स्टैंडर्ड में भी लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स में हम अंडरस्टैंड करेंगे, ओके। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, तो ये था गॉस लॉ। सभी डेरिवेशन, तीन डेरिवेशन आएंगे आपको, डेरिवेशन को सेम प्रोसीजर आपको यूटिलाइज करना है, मैं सिंपल वे में आपको डेरिवेशन बताऊंगा ताकि आपके माइंड में बैठ सके, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट आपको लेना है नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई नेट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको हम कंसीडर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कॉन्सेप्ट आपको लेना है बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, वरना टोटल नेट फ्लक्स भी आप कंसिडर कर सकते हो, ओके। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द फ्लक्स, वरना टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस कितना हो जाएगा, फाइव इज इक्वल टू आपने लिया था क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ, डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स अंडरस्टैंड करते वक्त क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, अगर आप क्लोज इंटीग्रेशन ये डॉट वेक्टर निकालते हो तो क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा आ जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा आ जाएगा, लेकिन इधर कॉस थीटा कितना है, वन है, क्यों, क्योंकि थीटा कितना है, 90 डिग्री। देखो थीटा ये किसके वजह, किसके बीच में रहता है, ई और डीएस के बीच में, ओके। तो ई और डीएस, ई का डायरेक्शन इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये अगर आप बनाते हो, समझो ये सरफेस है, ये सरफेस है, इसका एरिया कैसे रहेगा, एरिया ये इसका डायरेक्शन ऐसे रहेगा, इसका डायरेक्शन ऐसे रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रही है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रही है उसका भी डायरेक्शन सेम ही रहेगा, ओके। तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसके वजह से इन दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा, दैट इज थीटा, 0 डिग्री रहेगा, ओके। देखो ये डीएस है, डीएस वेक्टर ऐसे निकल रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही निकल रही है, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। थीटा कितना होगा, 0 होगा, अगर थीटा 0 है तो कॉस 0 कितना है, 1 है, तो इसलिए हमने क्या लिए, कॉस 0 इज इक्वल टू क्या लिए, 1 लिए,
ओके तो cos थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, cos थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर इधर आप 1 सब्स्टिट्यूट करते हो तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस क्या हो जाएगा, उतना ही रहेगा, दैट इज phi इज इक्वल टू हो जाएगा, ये phi इज इक्वल टू ये cos थीटा तो 1 है, तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ phi ds हो जाएगा, सॉरी क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस हो जाएगा। ई क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे, ओके तो डी एस आपको मिल जाएगा। तो ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्या है, देखो ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, इंटीग्रेशन ये स्मॉल का एरिया कितना है, डी एस है, लेकिन आपको टोटल एरिया चाहिए, टोटल एरिया चाहिए, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इंडिकेट क्या करता है, इस एरिया को ये इंटीग्रेट करते जाएगा, इंटीग्रेट मतलब ऐड करते जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो टोटल एरिया हो जाएगा, इसका टोटल एरिया कितना है, देखो टोटल एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 4πr2, बिकॉज जो गॉसियन सरफेस भी क्या है, एक स्पीयर है, एक स्पीयर है, ओके तो स्पीयर का एरिया कितना रहता है, दैट इज द 4πr2। इधर आपको स्मॉल लेटर आर लेना है, ये है गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, स्मॉल लेटर आर है, और इसका रेडियस कितना है, कैपिटल लेटर आर है, तो आपको 4πr2 लेना है। तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का वैल्यू कितना रहता है, ये वैल्यू कितना रहता है, 4πr2 रहता है, ओके तो फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू 4πr2 हो जाएगा। देखो इधर एक वैल्यू आपको मिल जाएगी, फाइनेट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा, फाइनेट मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज द फाइनाइट, और ये भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही है, फाइ इज इक्वल टू ई इंटू 4πr2, तो ये सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है, लेफ्ट हैंड साइड फाइ है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो वही कॉन्सेप्ट मैं इधर एक्सप्लेन करूंगा, इसको मैं इरेज करता हूं अभी, ओके तो मैंने दो इक्वेशन कंसिडर किया था, फर्स्ट इक्वेशन था phi is equal to q divided by epsilon naught, and second equation था phi is equal to e into 4πr2 करके, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, equal हो जाएंगे। तो from equation 1 and 2 ये right hand side है q divided by epsilon naught, ये भी right hand side, दोनों equal हो जाएंगे, okay e into 4πr2 हो जाएगा। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, दैट इज नथिंग बट e फाइंड आउट करना है। तो e वैसे ही रखो, ये 4πr2 इस साइड लेके आओ, तो क्या हो जाएगा, ये Q तो वैसे ही रहेगा, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट तो ऐसे ही रहेगा, और ये 4πr2 नीचे आएगा, तो 4πr2 हो जाएगा। लेकिन लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट मालूम था, सिग्मा, सिग्मा इज नथिंग बट सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये 11th स्टैंडर्ड में भी हमने डिस्कस किया है, ओके चार्ज पर यूनिट एरिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, एक एरिया, एक मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर कितना चार्ज आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू मतलब ये एरिया इस साइड लेके आओ, तो सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा क्या है और एरिया क्या है, एरिया इधर आपको लेना है इसके ऊपर, ओके चार्ज किसके ऊपर है, इस सरफेस के ऊपर है, तो सरफेस पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया मतलब एक मीटर स्क्वायर के ऊपर कितना चार्ज आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, ओके तो एरिया आपको कौन सा लेना है, ये एरिया लेना है, टोटल एरिया 4πr2, ओके 4πr2 एरिया, टोटल एरिया आपको कंसिडर करना है, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 4πr2 हो जाएगा। तो q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4πr2, तो ये q का वैल्यू, इधर क्यू का, ये क्यू का वैल्यू आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्या आ जाएगा देखेंगे, देखो क्यू का वैल्यू क्या है, क्यू इज नथिंग बट सिग्मा, तो सिग्मा इंटू 4πr2, और ये 4πr2 इंटू एप्सिलॉन नॉट वैसे रखो, तो ये 4π कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा सिग्मा इंटू r2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू r2 करके। तो आपको मालूम होना चाहिए एक स्पीयर के वजह से एक चार्ज है समझो क्यू करके, वरना सिग्मा दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी दिए है, तो इस पॉइंट के ऊपर आपको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी E इज इक्वल टू सिग्मा r2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू r2 करके। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट के ऊपर, इज दिस पॉइंट के ऊपर, आई होप यू अंडरस्टूड, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन था, दैट इज द स्फेरिकल
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी है यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल वरना होलोस्पियर, होलोस्पियर वरना स्पेरिकल शेल, दोनों कॉन्सेप्ट सेम ही है। स्पेरिकल शेल मतलब कैसे रहता है, इधर थोड़ा थिकनेस रहता है उसके लिए, ये स्पियर ही रहता है लेकिन उसके लिए थोड़ा थिकनेस रहता है, ओके। और स्पियर होलोस्पियर कैसे रहता है, थिकनेस कम रहता है उसका, ओके। सिंपल एग्जांपल बलून, बलून इज द होलोस्पियर लेकिन बॉल, बॉल के अंदर थोड़ा थिकनेस रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, शेल हो जाएगा, स्पेरिकल शेल हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया। सो सम केसेस हम अंडरस्टैंड करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। सम केसेस हमने डिस्कस किया इस स्पियर के अंदर, मतलब बाहर, सॉरी बाहर, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये स्पियर है, ये स्पियर है, इसके बाहर मतलब इस पॉइंट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये हमने डिस्कस किया, ओके। तो बाद में हम डिस्कस करेंगे सम केसेस इस स्पियर के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, समझो ये स्पियर है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वो हमको डिस्कस करना है, ओके। तो देखो आपको रिमेंबर करना है, केस वन, इफ पॉइंट पी लाइज ऑन द सर्फेस ऑफ द चार्ज स्पियर, चार्ज स्पियर मतलब ये स्पियर है, इसके बाहर अगर पॉइंट रहता है, ये स्पियर है समझो, ये स्पियर है, ये राउंड है, ये राउंड स्पियर है, इसके ऊपर चार्जेस है, इसके ऊपर चार्जेस है, तो इस पॉइंट के ऊपर मतलब सम डिस्टेंस आर के ऊपर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो आपने डेरिवेशन फाइंड आउट किया, ई इज इक्वल टू कितना था, देखो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, दिस वन, दिस इज द फॉर्मूला, ओके। तो बाद में हमने 4 पाई कैंसिल करके हमने रखा था E इज इक्वल टू क्या रखा था, सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर रखा था। लेकिन अगर ये पॉइंट P पॉइंट इसके ऊपर आता है, समझो इस पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, ये स्पीयर है, ये स्पीयर है, इसके ऊपर ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो वो क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला तो वही होगा, देखो E इज इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू R हो जाएगा, देखो R मतलब क्या था, ये टोटल था, ओके। लेकिन हमने ये पॉइंट कंसिडर किया था, अब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, ये पॉइंट इधर कंसिडर कर रहे हैं कंडीशन पे, ओके। इफ पॉइंट पी लाइज ऑन द सर्फेस ऑफ द चार्ज स्पियर, सर्फेस ऑफ द चार्ज स्पियर मतलब इसके ऊपर वो पॉइंट लाई कर रहा है, ओके। तो आर इज इक्वल टू ये आर क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा और ये आर हो जाएगा, ओके। ये आर हो जाएगा, ये आर और ये आर क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसमें सब्सटीट्यूट करो, क्यू डिवाइडेड बाय क्या था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर, क्यू मतलब क्या था, सिग्मा इनटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर, क्या कंसीडर करेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर कंसीडर करेंगे बिकॉज ये दोनों सेम है, ओके। तो ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड करो, इधर सिग्मा इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर था, लेकिन इधर क्या बचेगा, इधर ओनली बचेगा सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट करके, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट करके। आई होप यू अंडरस्टूड, आपको पूछे सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी तो वो होगी सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और इस सम डिस्टेंस छोड़ के, समझो सम डिस्टेंस आर छोड़ के, तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी तो वो होगी आर सिग्मा इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर करके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो आपको ये रिमेंबर करना ही है डेरिवेशन, ओके। तो अंडरस्टैंड करके पढ़ना है, 2-3 बार आपको डेरिवेशन करना है ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। सेकेंड कंडीशन देखो, सेकेंड केस क्या है, देखो ये पॉइंट पी lies inside the sphere, since inside the sphere मतलब आपको क्या करना है, अभी ये sphere है, इसके अंदर जाना है आपको, इसके अंदर point consider करना है, कौन सा, तो एक point consider करना है, समझो ये sphere है, इसके अंदर एक point consider करना है, that is the P point। पहले हमने sphere के बाहर point लिया, first point, okay, second point लिया सरफेस के ऊपर लिया, दैट इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हम ले रहे इसके अंदर इस स्पीयर के अंदर कंडीशन क्या होगा, इस स्पीयर के अंदर देखो, अगर आपने गॉसियन सरफेस बना दिया तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या आएगा, देखो फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है नहीं है, चार्ज क्या नहीं है, चार्ज नहीं है, क्यों, क्योंकि चार्ज तो बाहर है,
इसके अंदर तो चार्ज नहीं है, तो इसके वजह से अगर चार्ज जीरो हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर चार्ज जीरो होता है तो सिग्मा भी क्या हो जाएगा, जीरो होगा। क्यों? सिग्मा इज इक्वल टू क्या था, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया था। ओके, अगर चार्ज जीरो होता है तो सिग्मा भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर सिग्मा जीरो होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आपको रिमेंबर करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्पीयर, समझो ये स्पीयर है, इसके अंदर किधर भी आप ले लो, इनसाइड द स्पीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। ओके, तो इस आउटसाइड द स्पीयर, ये स्पीयर है, इधर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है आउटसाइड द स्पीयर, तो ये फॉर्मूला होगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर करके। सरफेस के ऊपर फाइंड आउट करना है, सरफेस के ऊपर, तो ये फॉर्मूला होगा सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट करके। और सरफेस के इनसाइड, उस स्पीयर के इनसाइड हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या रहेगी, जीरो रहेगी। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, कुछ भी डाउट है कमेंट्स करना है ताकि मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकूं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये था कॉन्सेप्ट, हम 12th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा वेरी सिंपल वे में, सिंपल वे में। ऐसे नहीं कि आपको रिमेंबर करना पड़े, आपको एक बार वरना दो बार डेरिवेशन करें तो आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।